आज हम शुरू करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? हमारा फोर्स होता है। और अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है? तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होते हैं, ठीक है, सेम टाइप के। अगर मान लीजिए एक्शन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो रिएक्शन भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। एक्शन नॉर्मल फोर्स है तो रिएक्शन भी हमारा नॉर्मल फोर्स ही होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको ध्यान से देखते हैं। मैंने अगर इस बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, अर्थ पे मैंने ड्रॉप किया, तो इसने अर्थ पे कुछ फोर्स लगाया और अर्थ ने वापस इस पे कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। जब भी एक्शन लगेगा तब रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो इस बॉल ने जैसे वहां अर्थ को टच किया, अर्थ पे इसने कुछ फोर्स लगाया और अर्थ ने वापस इस पे कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये बॉल तो उचक के वापस आ गई, अर्थ ने इस पे जो फोर्स लगाया, पर अर्थ क्यों नीचे चली गई? बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इतना फोर्स काफी नहीं है उसको कहीं डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। अब मैं इस बॉल को थोड़ी ज्यादा स्पीड से देखूं। अभी इस बॉल को स्पीड कौन दे रहा है? मेरा हाथ। मैं इसको, मेरे अपने हाथ को जितने जोर से, जितनी जोर से इसको वेलोसिटी दूंगी उतनी तेज ये बॉल नीचे जाएगी, ठीक है। तो मैं इस बॉल को अगर जोर से ऐसे फेंकूं तो सिंपल सा दिख रहा है, जब ये अर्थ पे बहुत स्पीड से गई, इसका एक्सेलरेशन जब बहुत ज्यादा था, मास तो अभी भी कॉन्स्टेंट ही है, फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है, बट एक्सेलरेशन चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी बहुत स्पीड से बढ़ने लगी, बहुत इसका स्पीड वेलोसिटी, स्पीड हमारा दूसरा नॉर्मल साइंस वाला, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बहुत जोर से देखा तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, इसने फोर्स अर्थ पे ज्यादा लगाया, तो अर्थ भी उसको इक्वल फोर्स लगाएगी वापस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉल ने जितना फोर्स लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन अगर अर्थ ने, बॉल ने अर्थ पे इस डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन अर्थ अपोजिट डायरेक्शन में बॉल पर फोर्स लगाएगी, तो 5 न्यूटन जो अर्थ ने बॉल पर फोर्स लगाया वो उसको ऊपर भेजने के लिए काफी था, पर क्या 5 न्यूटन भी अर्थ हिल सकती है? नहीं हिल सकती। अर्थ का मास बहुत ही मैसिव बॉडी है, ठीक है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो हम 5 न्यूटन के फोर्स उसको नहीं हिला सकते, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे इस बॉल की स्पीड बढ़ाते जाऊं, इसका फोर्स बढ़ता जाएगा और उतने तेज घूम आएगी, जैसे ये हमारा धीरे फेंका हमने, और जोर के फेंका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं? फोर्स को चेंज करने के लिए, मास तो चेंज कर नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं उसका, ठीक है, ताकि उसका फोर्स ज्यादा कम कर सके। कम अगर आप एक्सेलरेशन करेंगे तो उसका फोर्स कम रहेगा, ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो हमारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल, आप जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट वापस आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे इस बॉल ने अर्थ पे नीचे फोर्स लगाया तो अर्थ उतना ही फोर्स इस बॉल पे लगाएगी। अब सिंपल सी बात है, अर्थ डिस्प्लेस नहीं हो रही क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बट ये डिस्प्लेस हो गई, इसका मास कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। तो सिंपल सा था न्यूटन्स थर्ड लॉ।